उर्वरक विक्रेताओं में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए SBI द्वारा बैंक रोड स्थित मुख्य शाखा परिसर में एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके संबंध में सहायक महाप्रबंधक प्रसून कुमार ने बताया कि यह कैंप उर्वरक विक्रेताओं के लिए भारत QR, SBI पे QR एवं चालू खाता खोलने के लिए लगाया गया है, जिसमें जिले के उर्वरक विक्रेता इस कैंप में आकर बैंक के डिजिटल योजना POS मशीन, SBI पे QR एवं चालू खाता खोलने के लिए आवेदन कर जानकारी ले सकेंगे। कैंप में उपस्थित जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक विक्रेताओं को प्रेरित किया। आपको बता दें कि SBI के कैंप में 15 खाता, 25 POS मशीन, 50 SBI पे QR को उर्वरक विक्रेताओं में वितरित किया गया। इस कैंप में मुख्य प्रबंधक इंद्रजीत चौधरी, प्रबंधक व्यापार अभिग्रहण व्यवसाय अमित शंकर, अमन शर्मा, पप्पू कुमार मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक महाप्रबंधक प्रसून कुमार और जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी ने कहा, हेलो सुविधा है, कोई किसान का ऐप किया हुआ है तो आप ट्रैक विड्रॉल भी दे सकते हैं इसी से। आप सर प्रसून कुमार, सहायक महाप्रबंधक भारतीय प्रमुख शाखा, और कार्यक्रम के दौरान आप सभी को मैं ही बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस तरह कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं, जिससे कि समाज और हमारे सोसाइटी का भला हो और हम लोग अपने और अपने क्षेत्र का भला करें। ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है कि हमारे ज़िले में विकास भवन के द्वारा जितने भी हमारे उर्वरक और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें भेजी जाती हैं, इनके विक्रेताओं को एक ही मंच पर उनके करंट अकाउंट अगर कहीं नहीं है तो हम लोग यहाँ पर खोल रहे हैं। इसके अलावा उनको भारत की बात और UPI, ये दोनों हम लोग उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि उनको अपने कस्टमर के द्वारा कैश लेने की जरूरत ना पड़े, सीधे उनके खाते में क्रेडिट हो और उनका व्यापार भी सुचारू ढंग से चल सके। जैसे कि आप सभी को पता है कि COVID-19 में जो है सामाजिक दूरी बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और इसमें हम लोग लगातार प्रयासरत रहे हैं कि हमारे कस्टमर्स को भी और हमारे जो व्यवसाय वर्ग है उनको भी किसी तरह की कठिनाई ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे अपने समाज को इस बीमारी से बचाएं, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है और ये सारा जो कार्यक्रम है वो उसी प्रयास के तहत है, और इसमें दोनों तीनों को फायदा है। जो खाद खरीदने वाले लोग हैं उनको भी फायदा है कि कैश पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, जो व्यवसायी वर्ग है उनके लिए कि पैसा तो उनके खाते में पहुँच गया तो उनको कैश लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम लोग के लिए फायदा है कि हमें कैश मैनेज करने में सुविधा होगी और सारे हम समाज को भी कुछ दे पाते हैं। जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी, अभी तक जो किसान खाद खरीदते थे कैश लेन देन करते थे, उसमें कई समस्याएं आती थी। कैश लेन देन में तो किसान को कैश लेके आना पड़ता था, और दूसरे जो दुकानदार होते थे उनको कैश जमा करना पड़ता था, और तीसरा जो है कई बार होता था फुटकर नहीं है तो विवाद होता था। तो इस सबसे बचने के लिए डिजिटल लेन देन के लिए प्रक्रिया की जा रही है, ताकि किसानों को ना कैश लेके आना पड़ेगा ना खुद करके झंझट होगी, जो भी जितना खरीदेंगे उसका सीधे डिजिटली पेमेंट हो जाएगा। सर कितने किसान इससे लाभ होने चाहिए? अब जनपद में करीब 1400 किसान हर सारी 1400 दुकानदार हैं जो अपना अगर डिजिटली लेन देन शुरू कर देंगे तो जनपद में करीब 5 लाख किसान लाभान्वित होंगे।